नमस्कार साथियों, मेरा नाम है किशोर और आप देख रहे हो किशोर टेक मैक्स चैनल को। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आपका पैन कार्ड खो गया है, आप उसको कहीं रख के भूल गए हो, तो आप अपने कैसे मोबाइल से या पीसी से उसको डाउनलोड कर सकते हो। साथियों, तो इसके लिए आपको अपने किसी भी ब्राउजर को खोल लेना है। ब्राउजर को खोलने के बाद आपको वहाँ पे सर्च करना है यूटी पेन। सर्च करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आ जाएगा। तो आपके सामने जो पहली वेबसाइट आ रही है पैन कार्ड एम पैन कार्ड ऑनलाइन, इसको आपको क्लिक करना है। पैन इसको आपको क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आ जाएगा। स्क्रॉल करके नीचे आओगे तो आपके सामने कुछ यहाँ पे आपको लिखा रहेगा डाउनलोड ई पैन, आपको इस पर क्लिक करना है। डाउनलोड ई पैन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा। तो यहाँ पे आपको अपना पैन कार्ड नंबर डाल देना है, जो भी आपका पैन कार्ड नंबर था साथियों। तो जैसे मैं यहाँ पे अपना पैन कार्ड नंबर डाल दे रहा हूँ, पैन कार्ड नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालनी है आपको। तो यहाँ पे अपना मंथ और ईयर डालना है, जैसे कि मैं आपने अपने मंथ और ईयर डाल दे रहा हूँ साथियों। मंथ और ईयर डालने के बाद यहाँ पे आपको दिख रहा है जीएसटी टीआईएन इन नंबर, ये ऑप्शनल है साथियों, इसको आपको फिल करना है तो कर दीजिए अगर आपके पास है, नहीं तो आपको यहाँ पे कैप्चा फिल कर दीजिए इसके नीचे आप। जैसे कि मैं कैप्चा फिल कर देता हूँ साथियों। कैप्चा फिल करने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आ जाएगा, जिसमें आपको अपना 5 अंक मोबाइल नंबर दिख जाएगा, आपको अपनी जीमेल आईडी दिख जाएगी। तो आपको आपको किस पे एसएमएस चाहिए, ईमेल पे या मैसेज पे, तो आपको यहाँ पे उस पे टिक कर देना है। जैसे मेरे को अभी मोबाइल पे एसएमएस पे चाहिए तो मैंने एसएमएस पे टिक कर दिया। टिक करने के बाद साथियों आपको यहाँ पे अपना कैप्चा फिल कर देना है। कैप्चा फिल करने के बाद आपको यहाँ पे बॉक्स को क्लिक कर देना है। बॉक्स पे क्लिक करने के बाद आपके सामने नीचे गेट ओटीपी पे क्लिक करना है। गेट ओटीपी पे क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल पे एक ओटीपी आ जाएगा साथियों। तो मेरे मोबाइल पे ओटीपी आ गया, मैं ओटीपी फिल कर देता हूँ यहाँ पे। जैसे कि मैं यहाँ पे ओटीपी फिल कर रहा हूँ साथियों। ओटीपी फिल करने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे ये पे अमाउंट 8 रुपये और 26 पैसे कटेंगे साथियों आपके, अगर आप अपना पैन कार्ड डाउनलोड करोगे। तो आपको यहाँ पे बिल टैक्स पे क्लिक करना है और कंफर्म पेमेंट पे क्लिक कर देना है साथियों। तो यहाँ पे ये मांग रहा है आप किस तरह से इसको पेमेंट करना चाहते हो। आपके पास अगर मोबाइल है तो आप बार कोड पे क्लिक कर दीजिए, क्यूआर जो बना हुआ है, मैं क्यूआर पे क्लिक कर देता हूँ साथियों। तो अभी मैं इसको स्कैन कर ले रहा हूँ और आप इसको पे कर दे रहा हूँ साथियों। साथियों मैं इसकी पेमेंट कर दे रहा हूँ। तो देखिए साथियों, ये मेरा डाउनलोड हो चुका है। मैं अभी डाउनलोड में आपको फाइल पे देखिए दिखा दे रहा हूँ। फाइल खोल के ये देखिए साथियों, मैंने फाइल खोली तो यहाँ पे साथियों देखो पासवर्ड मांग रहा है। पासवर्ड मैं अपने यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल देता हूँ साथियों। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद ओपन फाइल पे आप क्लिक करें। देखिए मेरा ये पैन कार्ड डाउनलोड हो चुका है साथियों। तो आशा करता हूँ साथियों मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।